गाइज, अपने पिछले रहस्यमय वीडियो में मैंने बाइनरी सर्च ट्री के रहस्य का खुलासा किया था और आप लोगों को बताया था कि क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री। और आप लोगों को अच्छा आइडिया लग भी गया होगा क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री। इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं उसी बाइनरी सर्च ट्री को, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी, और हम लोग यहाँ पर इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम लिखकर बताऊंगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये पता करेंगे कि एक गिवन ट्री, गिवन बाइनरी ट्री, एक बाइनरी सर्च ट्री है के नहीं। सो आई होप कि आप लोगों को बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा। जल्दी से यहाँ पर मैं 72 नाम से, मैं यहाँ पर लिखूँगा 72 अंडरस्कोर बाइनरी ट्री डॉट सी, और मैं यहाँ पर ट्री लिखूँगा। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या पता है, थोड़ी सी चीटिंग करूँगा। चीटिंग क्या है, अपनी कॉपी में से टापने को चीटिंग नहीं कहते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता था ना, पहले हम लोग स्कूल का एग्ज़ाम देते थे तो जो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर था उसी को पीछे पलट के हम क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्वेश्चन नंबर एट में भी टाप देते थे थोड़ा सा, तो उसको चीटिंग नहीं कहते हैं, उसको थोड़ा बहुत चीटिंग कहते हैं, पकड़ी भी नहीं जाती है वो वैसे। तो यहाँ पर वही कर रहा हूँ, मैंने 69th जो मैंने लिखा था कोड उसको 72 में मैं ले आया, और यहाँ पर हमने क्रिएट नोट करा है और उसको इस तरह से जोड़ा है। तो मैं अभी यहाँ पर करूँगा क्या, एक बाइनरी सर्च ट्री बनाऊँगा। देखो ये एक बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं इसको मैं ज़रा देख लेता हूँ। इसके लेफ्ट साइड में सारे बड़े होने चाहिए, सॉरी राइट में बड़े होने चाहिए, हाँ हैं। लेफ्ट में छोटे होने चाहिए, हाँ हैं, लेकिन सारे छोटे होने चाहिए, इसलिए मैं 5 को यहाँ कर दूँगा, 1 को यहाँ कर दूँगा। और हाँ यार, अब ये जो है एक बाइनरी नहीं, छोटे होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 कर दूँगा, और यहाँ पर 3 करके इसको मैं कर दूँगा 3 से कुछ बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 4 कर देता हूँ, यहाँ पर 3 कर देता हूँ, और अब यहाँ पर ये हमारा हो गया है एक बाइनरी सर्च ट्री। क्यों? क्योंकि देखो 5 से सारे बड़े हैं यहाँ पर राइट साइड में, 5 से सारे छोटे हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ तक बिल्कुल सही है। इस नोट के लिए आप लोग देखो, 4 से सारे छोटे लेफ्ट साइड में, 4 से सारे बड़े जो हैं राइट साइड में होने चाहिए थे, नहीं है लेकिन, तो यार मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर। कोई बात नहीं, अब है यार ये बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। 5 से राइट साइड में सारे बड़े, 5 से लेफ्ट साइड में सारे, 5 से छोटे, फिर उसके बाद 3 के राइट साइड में 3 से बड़ा, 3 के लेफ्ट साइड में 3 से छोटा, और इसका भी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल भी अगर आप लो ना तो क्या आएगा, आएगा 1, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि जो बाइनरी सर्च ट्री होता है, यार मैंने बाइनरी ट्री क्यों लिख दिया है, पर मुझे बाइनरी सर्च ट्री लिखना था, इसको यार रिनेम करना पड़ेगा अंडरस्कोर। वैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि कैसे रिनेम होता है विंडोज़ में, तो मैं बता दूँ यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ तो रिनेम हो जाता है विंडोज़ में F2 दबाने के बाद, ठीक है, F2 दबाने के बाद रिनेम होता है। तो ये सवाल का जवाब मैंने दे दिया, काफ़ी रहस्यों का खुलासा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो में, और आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। लेकिन मज़े के साथ साथ आप लोग यहाँ देखो, मुझे लिखना पड़ेगा 5, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा जो कि P1 नोड है हमारा, इसको 3 बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको 6, और फिर इसके बाद 1, और इसको 4, ठीक है। आई होप कि मैंने बिल्कुल सही कर दिया है, इसको पी को P1 P2 से लिंक किया, यानी कि 5 को 3 6 से लिंक किया, P1 को P3 P4 से लिंक किया, यानी कि 3 वाले को किस किस से लिंक किया, क्या कर दिया मैंने, नीचे मैंने लिंक किए हैं P और P1 को लिंक किया है, P1 को यानी कि 3 को, P1 हमारा 3 है ना, ओके इट्स गुड, ठीक है, P3 हमारा 1 है, सब कुछ सही से मैंने यहाँ पर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वगैरह को छोड़ो, अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, चलो इसके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को प्रिंट करते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर को नहीं, इन ऑर्डर को प्रिंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इन ऑर्डर को प्रिंट करूँगा, इनफैक्ट मैंने कर रखा है यार इन ऑर्डर को, यहाँ पर प्रिंट सेव करके रन करने की देर है बस। और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इसका देखो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, हाँ यार ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये होने वाला है एक बाइनरी सर्च ट्री। बट यार मुझे अगर यहाँ पर जो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, अगर मुझे कुछ ऐसा पता करना है कि यार पिछले वाले एलिमेंट से हमेशा जो नया एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे ये पता करना है कि 3-1 से हमेशा बड़ा रहे, 4-3 से हमेशा बड़ा रहे, इसके अगले वाला इससे पहले वाले से हमेशा बड़ा रहे, कहने का मतलब ये है, और हम ये टिल द वेरी एंड चेक करें, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो इन ऑर्डर वाला मेरा फंक्शन है ना, इसी को मैं रिनेम करके लिखूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट इज बी ट्री, यानी कि क्या ये is BST, मैं ऐसे लिखूंगा, एक is BST बनाऊंगा, ये रूट नोड को लेगा, और मैं इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करूंगा, और यहाँ पर मैं इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करूंगा, और इसका जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आना चाहिए वो आना चाहिए हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर में एरे। तो इसके स्ट्रक्चर को मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा,
मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर ये लिखूँगा कि अगर, मैं यहाँ पर लिखूँगा अगर जो ये रूट हमें मिल रही है, ठीक है, ये नल नहीं होनी चाहिए सबसे पहले, जो जो चीज़ मैंने पहले लिखी हुई थी वो मैं लिखूँगा, ये तो ऑलरेडी लिखी हुई थी यार, तो मैं इसके अंदर लिखूँगा, ठीक है। अगर रूट मेरी नल नहीं है, और अच्छा रूट अगर नल है तब मैं क्या करूँगा, अगर रूट मेरी नल है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा एल्स रिटर्न वन, ठीक है। तो हम एक एम्प्टी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर जो है रूट हमारी नल नहीं है तो हम इसके अंदर लिखेंगे, हम कहेंगे कि भाई देखो जो भी हमें रूट मिल रही है उसका जो लेफ्ट साइड है वो जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री भी एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, राइट सब ट्री भी एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा इफ नॉट ऑफ इज बी एस टी, और मैं लिखूंगा रूट का लेफ्ट, तब क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, तब मैं कर दूँगा रिटर्न ज़ीरो, यानी कि मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। वरना मैं क्या करूँगा, वरना अगर मान लो हमारा जो प्रीवियस है, मैं एक प्रीवियस जो है पॉइंटर उसको स्टोर करके रखूँगा, और मैं उसी के साथ साथ यहाँ पर एक काम करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा, उसका नाम मैं रखूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार प्रीव, यानी कि प्रीवियस इज इक्वल टू, उसको बाय डिफॉल्ट मैं नल कर देता हूँ टू स्टार्ट विद, यानी कि मैंने एक प्रीवियस नाम से पॉइंटर बनाया है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने प्रीवियस नाम से एक पॉइंटर बनाया, उसको मैंने नल कर दिया। अब ये प्रीवियस क्या है, प्रीवियस का मतलब है कि वो नोड जिसके चिल्ड्रेन को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किसके चिल्ड्रेन को चेक कर रहे हैं, हम किसी के चिल्ड्रेन को चेक नहीं कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं नल को, नल का मतलब किसी के चिल्ड्रेन को चेक नहीं कर रहे हैं, हम रूट को चेक कर रहे हैं, सॉरी हम रूट को चेक कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा पहला नोड है उसको हम चेक कर रहे हैं। तो प्रीवियस का मतलब है किसके चिल्ड्रेन को हम चेक कर रहे हैं, तो रूट किसका चिल्ड्रेन है, किसी का नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नल लिख दिया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफ़ रूट इज़ नॉट इक्वल टू नल तो हम यहाँ पर लेफ्ट सबट्री के लिए चेक करेंगे, अगर ये लेफ्ट सबट्री के लिए जो है ट्रू रिटर्न करता है तो हम क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं तब हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये लेफ्ट सबट्री के लिए फॉल्स रिटर्न करता है तो वहीं पर हम रेड फ्लैग अपना सिग्नल करके ज़ीरो को रिटर्न कर देंगे, कहेंगे इस ट्री को और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, अगर इसका लेफ्ट सबट्री भी बाइनरी सर्च ट्री नहीं है तो ये भी बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। और हम एक और चीज़ चेक करेंगे, एक तो हमें ये चेक करना है कि प्रीवियस नल ना हो, ऐसा क्यों, क्योंकि यार प्रीवियस नल तो तब होगा ना जब हम रूट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम कहेंगे और जो हमारा रूट का डेटा है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, किसके डेटा से, वो लेस देन होना चाहिए प्रीवियस के डेटा से, ठीक है, प्रीवियस के डेटा से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रीवियस का जो डेटा है वो, आई होप कि आप लोग समझ गए, क्योंकि यार ये जो कंडीशन है ये हमारी बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन थी, अगर हमारा प्रीवियस इज़ नॉट इक्वल टू नल और हमारा रूट का डेटा लेस देन और इक्वल टू प्रीवियस के डेटा है तो ये एक बी एस टी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली मैंने किया क्या, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को एक तरह से मिमिक किया, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे वो चीज़ हुई है। और उससे पहले मैं यहाँ पर इसका प्रीवियस इज इक्वल टू रूट लिख देता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं रिटर्न कर दूंगा इज बी एस टी, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा रूट राइट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, अब ये फंक्शन किस तरह से आप लोगों को ये प्रूव करके देगा कि क्या ये गिवन ट्री बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं, ठीक है। और अब देखना वीडियो को ध्यान से, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ ये फंक्शन कैसे काम करेगा। यहाँ पर मुझे एक काम और करना पड़ेगा, मुझे इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, वो भी बताऊँगा क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर स्टैक के अपने अपने प्रीवियस हो, मैं बस प्रीवियस इज इक्वल टू नल ये चेक करने के लिए देख रहा हूँ कि जो मेरा प्रीवियस नल ना हो, मतलब जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तब ही मेरा जो प्रीवियस है वो नल होगा, बाकी नीचे जैसे मैं आता जाऊँगा तब मेरा प्रीवियस नल नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस को नल के बराबर सेट कर दिया, यानी कि हमने ये कह दिया कि जो प्रीवियस है उसको नल कर दो, चाहे कुछ भी हो प्रीवियस को नल कर दो। फिर हम लोगों ने ये कहा कि भाई ये जो ट्री है ये खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि रूट नल नहीं होना चाहिए, अगर रूट नल है तो ट्री तो कुछ है ही नहीं, एक नोड है बस जो कि नल है, ठीक है, तो एक तरह से वो ट्री है ही नहीं। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तब भी इसको बी एस टी मान के छोड़ो, ख़त्म करो बात को, लेकिन अगर ये एक्चुअल में एक ट्री है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया, अगर ये एक्चुअल में इस तरह का ट्री है तब क्या करो, तब सबसे पहले तो इसका लेफ्ट साइड में देखो कि क्या ये बी एस टी है, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया कि इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को मिमिक किया, यानी कि चेक करो सबसे पहले, देखो यहाँ पर सेम फंक्शन यहाँ पर रन करो लेफ्ट के लिए, ठीक है, लेफ्ट सबट्री के लिए। अब ये इसके नाम से कन्फ्यूज मत होना, इस बी एस टी मैंने नाम दिया है तो ये मत सोचना कि ये चेक करेगा क्या लेफ्ट इस बी एस टी है, यानी कि क्या लेफ्ट वाला जो सबट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं,
इस तरह से आप लोग कन्फ्यूज मत होना, इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले मैंने सेम फंक्शन लेफ्ट साइड के लिए कॉल किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने कहा कि मुझे कोई वैल्यू मिल रही है, रूट डेटा क्या है, मेरी एक वैल्यू है, ठीक है। मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये जो रूट डेटा है, क्या ये जो रूट डेटा है ये ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा है या नहीं। इसको ग्रेटर देन होना चाहिए प्रीवियस डेटा के लिए, तभी ये इस रिटर्न जीरो से बच पाएगा। रूट डेटा को बड़ा होना चाहिए प्रीवियस डेटा से, ठीक है। अब प्रीवियस डेटा क्या है, प्रीवियस डेटा पहले वाले नोड के लिए तो नल है, तो यहाँ पर प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये रिटर्न जीरो नहीं करेगा, ठीक है। अगर प्रीवियस नल हुआ तो ये रिटर्न जीरो नहीं करेगा, क्योंकि प्रीवियस तो इक्वल टू नल है, ठीक है। तो प्रीवियस क्योंकि इक्वल टू नल है मेरा, प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल जो है वो जीरो रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न जीरो नहीं करेगा और आगे बढ़ जाएगा, और प्रीवियस इज इक्वल टू अब करंट वाली रूट जो है वो सेट हो जाएगी, यानी कि ये इसको प्रीवियस बना देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, मैं क्या करूँगा, सेम फंक्शन राइट के लिए रन करूँगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा हूँ और ये चेक कर रहा हूँ कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में मुझे जो जो एलिमेंट मिल रहे हैं, जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में मुझे एलिमेंट्स, क्या वो जो एलिमेंट मिला है वो ग्रेटर देन, नया एलिमेंट जो मिला है क्या वो ग्रेटर देन प्रीवियस मिला वो एलिमेंट है कि नहीं। बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे फंक्शन से, इस बीएसटी से मैं यही कर रहा हूँ बेसिकली। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले सेम फंक्शन में, यहाँ पर मैंने ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को ही कॉपी किया है, मैं सबसे पहले सेम फंक्शन रूट लेफ्ट के लिए करता हूँ, ठीक है। मैं रूट लेफ्ट के लिए रन करता हूँ, उसके बाद मैं सेम फंक्शन को रूट राइट के लिए रन करता हूँ, ठीक है। अगर If not of is BST left, मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने कहा है कि यार अगर जो left वाला है मेरा subtree वो ही BST नहीं है तो return कर दो zero यहीं पर। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया यार, मैंने कहा गया left subtree के लिए में ही कहीं ये condition fail हो जाती है अगर, तो वहीं पे बात को ख़त्म करके return zero मैं कर दूंगा, मैं क्यों बाकी चेक करूँगा। वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं इस चीज़ को ensure करूँगा, मैं कहूँगा देखो एक तो previous not equal to null होना चाहिए, यानी कि पहला नोड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो रूट का डेटा है लेस देन इक्वल टू प्रीवियस डेटा है, अगर अगर ये दोनों बातें हो जाती हैं कि यार रूट भी कि प्रीवियस भी तुम्हारा नल नहीं है और तुम्हारा जो नया वाला डेटा आया हुआ है वो पिछले से छोटा हो जाता है या बराबर हो जाता है, यानी कि तुम असेंडिंग ऑर्डर रिटर्न नहीं कर रहे हो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल रिटर्न नहीं कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स, तो हम वहीं पर बात को ख़त्म करते हैं और कहते हैं कि यार ये ट्री एक बीएसटी नहीं है, ये बाइनरी ट्री एक बीएसटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हम ऐसा करते रहेंगे, ये करने के बाद हम प्रीवियस को रूट बना देंगे और सेम फंक्शन को हम राइट के लिए कॉल करेंगे, और ये हम बेसिकली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, एक मॉडिफाइड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल समझ लो इसको। अगर ये फंक्शन आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कुछ नहीं है, इसको ज़्यादा आप दिमाग मत लगाओ, इसको स्ट्रेस करके भी मत देखो यार, मैं तो कहूँगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल समझो पहले। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बहुत आसान है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही किया हुआ है मैंने, बस इसको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को मैंने कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर दिया है कि मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के द्वारा रिटर्न किए गए एलिमेंट्स की असेंडिंग ऑर्डरता को देख रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डरता मतलब कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मेरा ये जो फंक्शन है वो असेंडिंग ऑर्डर रिटर्न करता है, यानी कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रिटर्न करता है, तो मेरा जो ट्री है, जो मैंने दिया हुआ है ट्री, वो मेरा बीएसटी है अगर असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करता है, तो अगर नहीं करता है तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस ट्री को ज़रा देंगे और चेक करेंगे इस बीएसटी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक यहाँ पर प्रिंट एफ लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इस बीएसटी रन करूँगा रूट के लिए। इनफैक्ट मैंने रूट नहीं दिया इसका नाम, रूट दिया है पी दिया है, मैंने पी दिया है इसका नाम। तो मैं इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट करने के बाद ज़रा यहाँ पर एक प्रिंट एफ बैक स्लैश एन भी देना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर एक न्यू लाइन आ जाए जैसे ही मेरा ओके। सो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, कैर स्टार्ट रिस्ट्रिक्ट इस बी एस टी पी। ओके सो मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दिया, मैंने बहुत ही बेवकूफ़ी कर दी है। मैंने यहाँ पर लिखना चाहिए था परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी लिखने के बाद मुझे कुछ ऐसे करना चाहिए था क्योंकि एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। और हाँ यार, ये एक बी एस टी है, क्या मैं इसकी बी एस टी ता को ख़त्म करूँ, क्या मैं यहाँ पर 67 कर दूँ, या मैं 67 तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर 2 कर दूँ, तब ये बी एस टी नहीं रहेगा अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँगा। तो पी टू को मैंने 2 कर दिया, यानी कि जहाँ पर पहले 6 हुआ करता था वहाँ पर मैंने 2 कर दिया। अब मैं रिटर्न इसको 0 यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा, देखो यहाँ पर 0 लिख कर आ रहा है, यानी कि एक बी एस टी नहीं है, ठीक है। तो ये जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के द्वारा बी एस टी चेक करना, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं,
और इस फंक्शन को समझने में कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, जबकि बहुत सारा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं इसको समझने के लिए। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को सिंपली यहाँ पर करना क्या है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को मॉडिफाई हमने किया हुआ है कुछ इस तरीके से कि एक तो हम प्रीवियस का ट्रैक कर रहे हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स अगर आपको नहीं आते तो मैं बता दूँ, स्टैटिक वेरिएबल जब हम बना देंगे किसी फंक्शन में और अगर हम उसमें रिकर्शन यूज़ कर रहे हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग कॉल्स के लिए डिफरेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टैटिक स्ट्रक्ट नोड स्टार प्रीवियस इज इक्वल टू नल ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सेम काम किया है यार, मैंने एग्जैक्टली सेम काम किया है जो कि मैंने नॉट ट्रैवर्सल में आप लोगों को करके दिखाया था। अगर आप लोगों ने ये मेरी जो प्लेलिस्ट है एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच से सर्च करके आते हैं, क्वेश्चन सर्च करके आते हैं और सिर्फ टॉपिक सर्च करके आते हैं, उनको पता नहीं होता मैंने स्टार्टिंग से सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो उन लोगों के लिए एक बार रिमाइंडर कि यार आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और इसको बुकमार्क करके सेव करें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें और यहाँ क्लिक करके इसको सेव करें, ताकि आपके सामने सामने रहे ये और आप एक एक करके सारे वीडियोज़ देखकर इस कोर्स को कम्प्लीट कर पाएँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.